रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा याद आ रही है उसकी। और उसको भी, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही मुश्किल हो रहा है, उसको भी हो रहा है। और बट एक होप रखते हैं अपने अंदर कि हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और शायद तो चीज़ें ठीक होंगी। लगता है कि हाँ हो जाएंगी, कभी तो ठीक होंगी। तो उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हों, सब मिलें। बस एक अंदर से है होप, बाकी देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में। मैं 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार लगे हैं, मतलब सुबह के निकलते हैं, शिवी, मैं, पापा जी और शिवी के देवर जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं मेहनत में। सोचो हम सुबह के निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं 9-10 बजे, और इतने रूम देखे और फ्लैट भी देखे, सारी चीज़ें देखी, कभी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, कहीं वो एरिया अच्छा नहीं है, 3 दिन से। और इतना रोना आ रहा था मेरे को तुम्हें कि कैसे मिल पाएगा, अपने घर में हमेशा रही हूँ, अभी रेंट के पे कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करूँगी अकेले वो भी। तो बहुत, हाँ कल मेरे को पता है इतना रोना आ रहा था, मेरे सब खत्म है, मैं कि मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगी, किसी भी मैं गाँव चले जाऊँ क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, पता है इतना पता था, परेशान हुई थी सपना दीदी रास्ते से ना, रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे ना तो पता ही रो रही थी, और मम्मी बगल में बैठी थी, मैं बैठी थी बगल में, और रो रही एकदम सिसक सिसक के। तो फिर मैंने कहा परेशान मत हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगी चीजें, कर लो। मतलब आज तीसरे दिन है, हाँ। तो शाम को, हाँ, फाइनल हो गई है चीजें, क्योंकि 3 दिन हो गए थे भटकते हुए, ढूंढते हुए, आसान तो नहीं होता ना, घर मकान फ्लैट जो भी हम लोग देख रहे हैं, पर मेरी सबने बहुत ज्यादा मदद की है, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा, तो फाइनली वो चीज हो गई, घर मिल गया, घर और सबसे ज्यादा मतलब हेल्प किया भैया ने, और ये मेरी मम्मी, मम्मी तो हमेशा हर बेटी का साथ देंगी, पर मम्मी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब मेरी हिम्मत, हाँ मेरी टूट गई थी, होप टूट गई थी कि नहीं मिल पाएगा जैसा हम चाह रहे हैं, तो अब अच्छा मिल गया, अब अच्छा मिल गया, नहीं है, हम तेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब साथ। हालत खराब हो गई, मैं खाना खाने बैठती थी तो पहले मेरी, हाँ जाता नहीं था, दो बेटियां हो गई, मैं खाना खाने बैठती थी पर अंदर नहीं जाता था कि नहीं अभी पहले मिल जाए फिर सब सारी चीज़ें बताएंगे, पर ठीक है मिल गया, बहुत अच्छा मिला है, सेफ्टी है, और स्कूल भी बच्चों के पास में ही है तो सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, और हाँ वो सारी हम पूरी कर लेते हैं, फिर आज हम शिफ्ट हो जाएंगे। 3 दिन से पागलों की तरह, मतलब फैक्ट्री में, शिवी की फैक्ट्री में हमारा सामान रखा हुआ है, और अशी भी नहीं होती ना यहाँ पे तो मेरे को नहीं पता मैं क्या कर पाती इसकी वजह से, और पूरी फैमिली ने साथ दिया है। तो फाइनली सपना का व्लॉग आ गया, और व्लॉग क्या आया कि फाइनली कहाँ हूँ मैं हूँ शिवी के घर, और इससे पहले भी जो शिवी की वीडियो आई थी ना उसमें हिंट तो ज़रूर मिल गया था, लेकिन शिवी ने ये डिस्क्लोज़ नहीं करा था, उसने ये दिखाया कि कोई उसकी सिस्टर आई हुई है उनके बारे में, तो सबको ये लग रहा था कि सपना जो है वो शिवी के घर ही है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि हमें लगा कि सपना दीदी के बारे में अपडेट होगी, सपना दीदी के बारे में अपडेट हो, और थोड़ी देर बाद सपना का खुद का भी अपडेट आया कि मैं शिवी के घर हूँ। और पूरी वीडियो जब हमने देखी तो पहले तो सपना हैरान परेशान सी, सपना थकी हुई सी, सपना जो एकदम थक चुकी है अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को झेलते झेलते थक चुकी है सपना, वो थकान जो है ना वो सपना के चेहरे पे दिख रही थी। देख के कोई कह नहीं सकता कि ये लड़की जो है वो इतने बड़े चैनल की मालकिन होगी, उसके पास इतना बड़ा चैनल है, इतनी अच्छी अर्निंग है, इतने अच्छे व्यूज़ जाते हैं, बिकॉज़ हम सबको पता है कि यूट्यूबर्स की अर्निंग कितनी अच्छी है, अगर उनके व्यूज़ इतने अच्छे जाते हैं तो हमने तो उन सपना से बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर्स की अच्छी बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल देखी है, लेकिन सपना को देख के क्या आप सबको ये लग रहा है कि हाँ ये लड़की इतना अच्छा अर्न करती होगी? मतलब यही है कि इस लड़की को पैसों का कोई लालच नहीं है और ना ही पैसों का कोई दिखावा है, इसे जीवन में एक ही चीज़ चाहिए, वो है सुकून और शांति। जो लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं ना, ये जो आज का वीडियो है ये थप्पड़ है उन सभी लोगों के मुंह पे कि वीडियोस बना रहे हैं कि सपना प्रॉपर्टी के लालच में सपना ने ऐसे किया, सपना को थोड़े दिन इंतज़ार करना चाहिए था, सास ससुर उस प्रॉपर्टी का क्या अचार डालेंगे या अपने साथ ले जाएंगे, देंगे तो सपना को ही, सपना के बच्चों को ही, सपना को प्रॉपर्टी के लिए इतना सब ड्रामा करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में जवाब ऑटोमेटिक आप लोगों को मिल गया होगा कि क्या सपना ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए ही किया, प्रॉपर्टी के लिए ही सपना अपनी जान से प्यारी अंशु से दूर हो गई, और क्या सपना की आज की हालत आप ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखिए, जब वो घर को खोजने गई है, बिखरे हुए से बाल, अजीब सी शक्ल, थका हुआ सा चेहरा, और ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ एक साथ अपने सर पे लेके वो लड़की ढोए हो, इस तरीके की दशा सपना की थी, और सपना को देख के बहुत दया आई, बहुत दया। हालांकि लास्ट में जब सपना ने अपना घर ले लिया और सपना उस घर की पूजा कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा कि जब सपना ने कहा कि कान्हा जी हमारा भी अपना एक घर हो,
तो अभी तो किराए के घर पे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अच्छे से सपना को बताया है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी, इस चीज़ का कोई भी लोड नहीं है सपना के ऊपर कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी कि नहीं कर लेगी, बच्चों की फ़ीस, घर का रेंट, ये सारी चीज़ें वो दे लेगी कि नहीं दे लेगी, वो बहुत अच्छे से जानती है। अगर सपना के चेहरे पर कोई परेशानी दिखी ना, तो वो तकलीफ़ थी, वो झुंझलाहट थी, वो उलझनें थी कि वो ये सब कुछ जो छोड़ के आई है उसके बाद वो निकल के अपनी एक नई जर्नी कैसे स्टार्ट करेगी, उसकी उलझन थी। बाकी अब हम ये उम्मीद करेंगे कि ये उलझन भरा चेहरा सपना का दोबारा देखने को ना मिले, हमें एक हंसती मुस्कुराती हुई सी सपना मिले और जिसका सारा सपना अब पूरा हो। भगवान ने जितने भी दुख देने थे सब दे लिए, अब इससे ज़्यादा दुख तकलीफ भगवान इस लड़की को ना दे। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आए सपना के सारे सपने पूरे हों, घर लेने का सपना पूरा हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का सपना पूरा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।